उसे किथ ने अपने वर्ड्स में क्या कहा है, ठीक है। तो किथ ने रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, राइट। तो इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ from that of constitutional law and all the attempts if made to do so it would be आर्टिफिशियल, ये क्या होगा, आर्टिफिशियल अटेम्प्ट होगा, राइट। तो किथ ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्टिंग्विश कर सकें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भी अटेम्प्ट हम करेंगे इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने का, वो जो अटेम्प्ट होगा दैट विल नॉट बी नेचुरल, वो नेचुरल नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो में, हम रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। ये जो रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच, इसे हम दो बेसिस पे समझेंगे। जो पहला बेसिस है वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और जो दूसरा एस्पेक्ट होगा हमारा वो होगा डिफरेंसेस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम दो बेसिस पे समझेंगे। एक, इन दोनों लॉज के बीच क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, और दूसरा इन दोनों लॉज के बीच क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच, उसे क्लियरली नहीं बताया गया है। हाउएवर, हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही लॉज के जो प्रोविजंस हैं वो सर्टेन एस्पेक्ट में ओवरलैप करते हैं। तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में, द रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट क्लियरली गिवन। हाउएवर, इन सेवरल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट में इन दोनों ही लॉज के जो प्रोविजंस हैं वो ओवरलैपिंग इन नेचर हैं। द प्रोविजंस ऑफ दीज टू लॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों ही लॉज के बीच एक फंडामेंटल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप which is fundamental to both. और अगर हम इसी fundamental relationship को Venn diagram के माध्यम से draw out करें तो हमें एक common area दिखाई देगा इन दोनों ही laws के बीच, जो इन दोनों के बीच एक fundamental relationship establish करता है, right? जैसे मान लो ये है आपका Venn diagram, सपोज करो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिलेशनशिप को एक वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया तो हमें एक कॉमन एरिया दिखाई दिया, एंड दिस
कॉमन एरिया, इस कॉमन एरिया को हम कहते हैं वाटर शेड एरिया। और ये जो वाटर शेड एरिया होता है वो इन दोनों ही लॉज के बीच फंडामेंटल रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, ओके, अभी हम आगे समझेंगे। तो आप लिखोगे कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप व्हिच इज फंडामेंटल टू बोथ, एंड इफ वन वर टू रिप्रेजेंट द टू ब्रांचेस ऑफ द लॉ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन वेन डायग्राम देयर वुड बी अ कॉमन एरिया, एक कॉमन एरिया हमें मिलेगा। इस एरिया को, दिस एरिया इज नोन एज वाटर शेड एरिया, इसे हम क्या कहेंगे, वाटर शेड एरिया कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, राइट। तो यानी अगर हम इन दोनों ही लॉज के बीच जो कॉमन पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, दोनों क्या है, पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है। ठीक है, ओके, अब देखो इन दोनों ही लॉज के बीच क्या रिलेशनशिप है और किस हद तक इन दोनों ही लॉज के बीच के रिलेशनशिप को हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं, उसे किथ ने अपने वर्ड्स में क्या कहा है। ठीक है, तो किथ ने रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, राइट। तो इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रॉम दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ and all the attempts if made to do so, it would be artificial, ये क्या होगा, artificial attempt होगा, right। तो कितने administrative law और constitutional law के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्टिंग्विश कर सकें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भी अटेम्प्ट हम करेंगे इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने का, वो जो अटेम्प्ट होगा दैट विल नॉट बी नेचुरल, वो नेचुरल नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन द वर्ड्स ऑफ किथ। ठीक है, चलिए अब हमने ये जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप्स एट सर्टेन प्लेस एंड दिस एरिया, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम वाटरशेड एरिया कहते हैं, जो कि इन दोनों ही लॉज के बीच का कॉमन एरिया होता है, राइट, ओके। इंडिया में, इन इंडिया ये जो वाटरशेड एरिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी कंट्रोल मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनना, ये जो वाटरशेड एरिया है ये पूरा का पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि दिया हुआ है कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म होगा ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, वो सभी प्रोविजंस वाटरशेड एरिया में दिए गए हैं, राइट। तो आप लिखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इस चीज़ को लिखने के बाद यू विल राइट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप्स एट सर्टेन प्लेसेस एंड दिस एरिया, इस एरिया को हम कहेंगे वाटरशेड एरिया इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर आप लिखोगे इन इंडिया, इंडिया में इन दिस वाटरशेड रीजन, ये जो वाटरशेड रीजन है, ये जो वाटरशेड रीजन है ये कंट्रोल मैकेनिज्म को दर्शाता है,
ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, तो इन इंडिया इन दिस वाटर स्टेट वन कैन इंक्लूड द होल कंट्रोल मैकेनिज्म विच आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहाँ दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, एंड दैट कंट्रोल मैकेनिज्म इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। किसके लिए है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए, राइट? ओके, अब एग्जाम्पल में आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिख दोगे, जैसे जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 226, 227, 300 एंड 311। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कंट्रोल मैकेनिज्म, आप लिखोगे दीज आर्टिकल्स इंक्लूड्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग दीज आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग कंट्रोल मैकेनिज्म ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। क्लियर है? चलिए अब आगे और भी आर्टिकल्स हैं। ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म होगा वाटरशेड एरिया में या वाटरशेड रीजन में, इस कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को भी कंट्रोल करने का काम, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को भी रेगुलेट करने का काम किया जाता है, राइट? जैसे कि आर्टिकल 263 हमारे पास, तो मैं सरअप कर देता हूं। तो एक तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 226, 227, 300 एंड 311। अब आगे लिखोगे कि इसी कंट्रोल मैकेनिज्म में कुछ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के रेगुलेट कराने के या उनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम करता है, विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लिखोगे देर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच रेगुलेट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, जैसे आर्टिकल 263 हमारा, आर्टिकल 263, आर्टिकल 280, 262, 315 और 324। आर्टिकल 263 ये बेसिकली क्रिएशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है, क्रिएशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन। ठीक है, ओके। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, ये सभी क्या है? ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं। फिर आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी के बारे में बात करता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटीज के बारे में बात करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315, पब्लिक सर्विस कमीशन, और आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है जो वाटरशेड रीजन में लाई करता है, इस कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करते हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को रेगुलेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए। तो यानी हमने क्या देखा, हमने अगर अब तक हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच, उसे क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक वेन डायग्राम के माध्यम से हम इन दोनों ही लॉज के बीच के रिलेशनशिप को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से इन दोनों ही लॉज के बीच के रिलेशनशिप को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक कॉमन एरिया मिलेगा जिसे हम कहेंगे वाटरशेड एरिया। इंडिया में उस वाटरशेड एरिया में पूरा का पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। किस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के एक्शंस को बाइंड करेंगे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में हमने समझा। और हमने ये भी जाना कि किथ कहते हैं कि किसी भी
प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रिलेशनशिप हैं, उसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों ही लॉज को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं तो वो जो अटेम्प्ट होगा वो आर्टिफिशियल होगा, दैट विल नॉट बी नेचुरल। फिर हमने कुछ आर्टिकल्स देखा, जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 226, 227, 300, 311, फिर आर्टिकल 263, 280, 262, 315, 324, ठीक है। चलिए अब इन दोनों ही लॉज के बीच क्या सिमिलैरिटीज हैं उसे हम समझते हैं। सबसे पहला जो सिमिलैरिटीज हैं वो ये है कि बोथ आर द स्पीसीज ऑफ पब्लिक लॉ। दोनों क्या है? बोथ आर स्पीसीज ऑफ पब्लिक लॉ। दोनों क्या है? पब्लिक लॉ के ही ब्रांच है। दूसरा क्या है? बोथ डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स एंड फंक्शंस। बोथ डील्स विद एक्सरसाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ डील्स विद एक्सरसाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स एंड फंक्शंस। दोनों ही क्या करते हैं? गवर्नमेंटल पावर्स के फंक्शंस के एक्सरसाइज और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से डील करते हैं। तीसरा, बोथ आर कंसर्न्ड विथ इम्पोजिंग बाउंड्रीज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज हु एक्सरसाइज गवर्नमेंटल पावर्स। तो दोनों ही लॉज क्या करते हैं? उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी और उनके ऊपर बाउंड्रीज इम्पोज करने का काम करते हैं जो गवर्नमेंटल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे बोथ लॉज इम्पोजेस लिमिटेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज अथॉरिटीज हु एक्सरसाइजेस गवर्नमेंटल पावर्स। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि इन दोनों लॉज के बीच सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। तो हमने जाना कि दोनों क्या हैं? बोथ आर द स्पीसीज ऑफ पब्लिक लॉ। दोनों क्या हैं? पब्लिक लॉ के स्पीसीज हैं। दोनों जो हैं डील करते हैं एक्सरसाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स एंड फंक्शंस। तीसरा कहता है जो दोनों लॉज हैं वो लिमिटेशंस इम्पोज करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इम्पोज करते हैं उन अथॉरिटीज़ के ऊपर जो एक्सरसाइज करते हैं गवर्नमेंट पावर्स का। ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ वन इज देखो, ना केवल हम समझ रहे हैं बल्कि साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। तो अगर ये फोर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। चलिए, तो फोर्थ वन इज दियर एप्लीकेशन इज फाउंडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो एप्लीकेशन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो एप्लीकेशन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विल इन्वॉल्व द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लिखो आप दियर एप्लीकेशन is founded on their application is found on constitution और क्या है? both are concerned with human rights issue। दोनों क्या है? human rights issue से concerned हैं, related हैं। both are concerned with human rights issues और क्या है? बोथ रिलाई ऑन स्टैट्यूट्स एंड केस लॉज फॉर देयर प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस। दोनों स्टैट्यूट्स और केस लॉज पे रिलाई करते हैं फॉर देयर प्रिंसिपल्स एंड देयर ऑपरेशंस।
राइट right? तो आप लिखोगे बोथ रिलाई ऑन स्टैट्यूट्स एंड केस लॉज फॉर देयर प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस, और एक और सिमिलैरिटीज आप लिखोगे द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर एनफोर्स्ड बाय सेम इंस्टीट्यूशंस, दोनों ही लॉज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं एनफोर्स कराए जाते हैं एक ही इंस्टीट्यूशन के द्वारा. आप लिखोगे द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ लॉज आर एनफोर्स्ड बाय सेम इंस्टीट्यूशन. लाइक कोर्ट और लॉ एनफोर्सिंग एजेंट्स या लॉ एनफोर्सिंग एजेंट्स. ठीक है ओके. तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों ही लॉज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम इंस्टीट्यूशन के द्वारा एनफोर्स कराए जाते हैं विच इज कोर्ट्स एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंट्स. ठीक है ओके. तो ये था सिमिलैरिटीज. अब हम बात करेंगे डिससिमिलैरिटीज बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं या क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है ओके. डिससिमिलैरिटीज एक तरफ आप लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक तरफ आप लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. देखो हॉलैंड कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्क्राइब्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इट डिस्क्राइब्स ये डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है व्हेन दे आर एट रेस्ट. तो सिंपल आप कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो हॉलैंड कहते हैं कि ये वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है व्हेन दे आर एट रेस्ट, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है व्हेन दे आर इन मोशन यानी व्हेन दे वर्क. राइट डिस्क्राइब्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट व्हेन दे आर इन मोशन. ठीक है ओके. दूसरा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विथ फंडामेंटल्स. जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो फंडामेंटल्स से डील करता है जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स इन डिटेल्स, ये डिटेल में डील करता है. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो फंडामेंटल्स से डील करता है वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स इन डिटेल. राइट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विथ जनरल प्रिंसिपल्स, इसे लिख लो. क्या कहता है, कह रहा है डील्स विथ जनरल प्रिंसिपल्स, डील्स विथ जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू आई कहता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. देखो यहां पे दो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड्स हैं. तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो डील करता है उन सभी जनरल प्रिंसिपल से जो कि रिलेटेड हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशन यानी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट्स.
जो स्टेट के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं राइट उनके पावर से डील करता है, उन सभी जनरल प्रिंसिपल से डील करता है जो कि रिलेटेड हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट। और आगे कहता है कि इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, राइट यानी ये जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट हैं उनके बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रिलेशनशिप है विद दैट ऑफ इंडिविजुअल, उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है, राइट ओके। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन पावर्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शंस, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, उनके ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद पावर फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ओनली, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन और पावर्स के बारे में बात करता है और उन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रिलेशंस है विद दैट ऑफ इंडिविजुअल और व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो राइट तो आप कह सकते हो कि जो स्कोप है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इज वेरी मच वाइडर देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इट डील्स विद राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ राइट से डील करता है वेयर एज इट लेज एम्फेसिस ऑन पब्लिक नीड्स। ठीक है, आगे लिखो, इट डील्स विथ राइट्स whereas it deals with or it lays emphasis on public needs। तो constitutional law rights से deal करता है, लोगों के rights से deal करता है, जबकि administrative law public need को ज़्यादा importance देता है। It is the supreme law of land। constitutional law क्या है? supreme law of land है, supreme law of land है। ये क्या है? इट इज द सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इट इज सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबॉर्डिनेट है, राइट। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इस रिलेशनशिप को हमने दो बेसिस पे समझा, एक सिमिलैरिटीज और दूसरा डिससिमिलैरिटीज। तो अगर हम कंक्लूजन को देखें तो हम ये कह सकते हैं एज रिगार्ड्स द रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, एक है नो डिफरेंस और दूसरा है डिफरेंस, राइट। तो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच के रिलेशनशिप को अगर हम समझें तो इसके लिए हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है नो डिफरेंस और दूसरा है डिफरेंस। नो डिफरेंस स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच डिफरेंस है, जबकि जो नो डिफरेंस है वो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि जो डिफरेंस स्कूल ऑफ थॉट है वो इन दोनों ही लॉज के बीच के डिफरेंस को पॉइंट आउट करता है। हालांकि अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करें तो हमने ये जाना कि किथ ये कहते हैं कि इन दोनों लॉज के बीच कोई भी रिलेशनशिप को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो आर्टिफिशियल होगा। इन दोनों ही लॉज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं, और ये जो वेन डायग्राम है इसके बीच का जो कॉमन एरिया है इट विल बी कॉल्ड एज वाटरशेड एरिया, जिसमें पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आप कह सकते हो कि हम क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, राइट, क्योंकि हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है नो डिफरेंस और दूसरा क्या है? डिफरेंस, राइट।
हालांकि अगर रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आप ऐसे ही डिफाइन कर दोगे। देखो हम अगेन जैसे हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का लेक्चर लिया, जिस तरह से हमने TPA के उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया, उन सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर किया जहां से क्वेश्चंस आते हैं, सेम उसी मैनर में हम AD लॉ के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी केवल उतना ही पढ़ो जितना कि इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।